स्टूडेंट इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी सामरपुर से आवर टॉपिक इज फ्रैक्शन पेज नंबर 64 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले आपको इसमें असेंडिंग ऑर्डर का बताना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर होता है सबसे स्मॉल से ग्रेटेस्ट की तरफ सबसे पहले आता है सबसे स्मॉल लाइक फॉर एग्जांपल ये 2 है 2 इज सबसे स्मॉल है उसके बाद 3 4 7 2 3 ये चीज़ है ठीक है इसे हम ऐड कर देते हैं ठीक है अब इसे सेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है सबसे पहले सबसे स्मॉल वैल्यू 2 आएगी उसके बाद 3 आएगी नेक्स्ट 4 आएगी उसके बाद 7 आएगी एंड लास्ट पे 8 आएगी ये असेंडिंग ऑर्डर्स में है ठीक है असेंडिंग ऑर्डर जैसे जैसे हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं ठीक है सबसे पहले सबसे स्मॉल फर्स्ट स्टेप लिया फिर सेकेंड फिर जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाता है इसका मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर्स में जाता है अब नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन अब फ्रैक्शन में हमें असेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में कैसे पता चलेगा फ्रैक्शन में असेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में इस तरह पता चलेगा कि हमारे पास 2 फ्रैक्शन होते हैं एक लाइक फ्रैक्शन और एक अनलाइक फ्रैक्शन फर्स्ट हमारे पास है लाइक फ्रैक्शन सेकेंड है अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन क्या होता है ये इसे हम 13 18 सबका डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया इट मीन्स दैट ये लाइक फ्रैक्शन और इसमें बताना ईजी हो जाता है सबसे स्मॉल वैल्यू और लास्ट में सबसे ग्रेटर वैल्यू ठीक है हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8 की तरफ 3/12 9/12 2/12 एंड लास्ट पे है 7/12 इसका सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पे क्या सबका डिनोमिनेटर सेम है इट मीन्स दैट ये लाइक फ्रैक्शन है इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हमारे लिए इजी हो जाएगा सबसे स्मॉल वैल्यू 3/12 सबसे स्मॉल वैल्यू 2/12 उसके बाद 3/12 उसके बाद है 7/12 एंड लास्ट पे है 9/12 ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर्स में आ गया सेम फ्रैक्शन ठीक है इसीलिए पार्ट नंबर बी है पार्ट नंबर बी का क्वेश्चन है 6/18 6/12 6/7 एंड 6/21 ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था ठीक है अब हमने इसमें क्या करना है अब आप देखें इस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम था इस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें इसे डिनोमिनेटर को सेम बनाना है इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था सबसे पहले एलसीएम लेंगे 18 12 7 and 21 जब भी एलसीएम लेते हैं आपने हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट स्टार्ट करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट 2 से स्टार्ट करते हैं 2 में देखते हैं 2 के टेबल में 18 आता है 2 9 = 18 2 6 = 12 2 के टेबल में 7 नहीं आता वो हम एज इट राइट कर देंगे 2 के टेबल में 21 नहीं आता वो भी हम एज इट राइट कर देंगे ठीक है उसके बाद अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता 2 के टेबल में 6 आता है तो हम 2 9 = 6 7 = 21 अब 2 के टेबल में इनमें से कोई भी नहीं आता हम 3 का टेबल लेते हैं 3 3 = 9 3 1 = 3 7 3 के टेबल में नहीं आता वो ऐसे आ जाएगा 21 आता है 3 7 = 21 अब ये देखेंगे 3 या हम इसे भी 3 1 = 3 कर 3 1 = 3 1 एंड लास्ट में हमारे पास 7 बचे 2 के टेबल में 7 नहीं आता 3 में भी नहीं आता 4 में भी नहीं आता 5 में भी नहीं आता 6 में 7 जस्ट अपने टेबल पे आता तो 7 1 = 7 इट मीन्स दैट यहाँ तक हमारा एलसीएम बिल्कुल एक्यूरेट हो गया अब हमने ये ऐसे में हमेशा ये राइट साइड पर ही चीज देते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7 इनका जो एलसीएम है वो हमारे पास 252 है ठीक है इनका जो एलसीएम है वो हमारे पास 252 है अब इस 252 को हमें इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं पहले 18 पे करना है मैं यहाँ पे एक लाइन लगा के एक बॉक्स में आकर उसमें राइट कर ऐसे कर लेते हैं रफ वर्क है 252 को पहले 18 पे डिवाइड करेंगे
62 डिवाइडेड बाय 18। 18 वन्स आ 18 माइनस करेंगे, 18 में से 25 माइनस किए 7, ये 2 एज 18 फोर्स आ 72। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 14। अब हम इस 6/18 की और 6/18 हमने ऐसे ट्राइड कर दिया, इसकी जगह हमने ये 14 ट्राइड कर देंगे, मतलब 14 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, हमने डिनोमिनेटर सेम करना है, इस वजह से हम इंडिविजुअली इंडिविजुअली डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद है 12, 252 को 12 के साथ करेंगे, 12 वन्स आर 12, 12 टूज आर 24, 1, 2 एज इट, 12 वन्स आर 12, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 21। अब ये तो हमने राइट करना ही करना है, जैसे हमने इस वाले में किया था वैसे ही हमने इसमें भी ऐसे करना है, 6/12 मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारे पास आंसर आया 21 ओवर मल्टीप्लाई बाय 21। इसी तरह ही हमने 7 के लिए करना है, 252 को 7 थ्री आर 21, 5 में से 1 माइनस किए 4, 2 में से 2 माइनस किए 0, 0 राइट करे ना राइट करे वो हमारा उससे कुछ नहीं भी नहीं होता है। अप टू एज इट 7, 6 आर 42 में से 42 माइनस किए 0, अब 7 के हम 36 राइट करते हैं, 36 को मल्टीप्लाई भी कर दिया है डिवाइड भी कर दिया। अब इसी तरह हमने सिर्फ हमारे पास लास्ट पर रह गया 21, इसके लिए भी हमने यही काम करना है, 252 को 21 पे डिवाइड कर दें, 21 वन सा 21, 42, 21 टू सा 42, सेम वही काम किया। अब ये जो हमारे पास हमने लेने हैं ये वाले आंसर्स, हमने सबके यही आंसर्स लिए हैं, जो हमारे पास आंसर्स आए हैं उनके साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये काम क्यों किया है हमने, इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है, हमने डिनोमिनेटर सेम बनाना है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, इस वजह से हमने इनके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके आंसर 6 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया 84, एंड लास्ट में 18 मल्टीप्लाई 14 252, ये वही आंसर है जो हमारे पास एलसीएम का आंसर आया था, इन सब के डिनोमिनेटर का आंसर वही आएगा जो हमारे पास एलसीएम का आंसर आया था, ठीक है। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 21, इसका आंसर आ जाएगा 126 ओवर 252, इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 36, 216, 7 मल्टीप्लाई बाय 36, 252, इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 12, 72, एंड 21 मल्टीप्लाई बाय 12, 252। ये देखिए, अब ये भी डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमें इसे सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, हमने इसे सेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करके राइट कर देते हैं। सेंडिंग ऑर्डर अभी हमने क्या पढ़ा था, सेंडिंग ऑर्डर यही था ना कि हमने इसे सबसे पहले सबसे स्मॉल, अब देखने 84, 126, 216, 72, सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी हमारे पास 72 बाय 252, उसके बाद 84 बाय 252, एंड नेक्स्ट क्या है 116
एंड हमारे पास लास्ट पे 216 की प्रिसिजन वैल्यू थी 2/12। अब हमें पता चल गया कि सेंडिंग ऑर्डर्स में ये इस फॉर्म में आ गए, ठीक है। ये आपने हमें ये बच्चों ये हम लोगों ने ये इसका आंसर राइट कर दिया, सॉरी ये वाला क्वेश्चन था, हमने ए का लेके कर दिया था, हम रेस कर देते हैं। हम यहाँ पर यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 72 पे 252 के लिए ये वाले क्वेश्चन थे, हमने बाई मिस्टेक ये वाला राइट कर दिया। 72 बाई 252 का फर्स्ट पे क्या आएगा 6/21, सेकेंड 84/252 6/18, 126 की जगह 6/12 एंड 216 की जगह 6/7। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है हमारे पास 3/7, 11/24, 13/21 एंड 5/9। अब इसमें ये देखिए, जैसे फर्स्ट बी पार्ट में किया था किसी का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं था, ठीक है, ऐसे इसमें भी किसी का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इनका लेना है एलसीएम डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, तो लेते हैं एलसीएम। सबसे पहले 7, 24, 21 एंड 9। अब देखते हैं 7/2 के टेबल पे 7 नहीं आता, 2 के टेबल में 24 आता है, 2 के टेबल में और कोई भी नहीं आता। सबसे पहले 2 पे स्टार्ट करो, 2 7 2 1 2 2 4, 21 एज 9 एज। इसी तरह अब फिर से 2 के टेबल पे डिवाइड हो गए, 2 6 12 21 एज 9 एज। फिर से ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे, 3 2 6 21 एंड 9। अब आप देखें ये 7 तो 3 के टेबल पे नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल पे भी आता है, 21 के टेबल में भी आता है और 9 के भी टेबल में आता है। 3 7 एज 3 1 3 7 3 21 3 3 9। अब 2 के बाद ये फिर से 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल पे आ रहा है, बाकी सारा कुछ हम एज इट, बस इसकी जगह 3 1 3 कर देंगे। अब 7 जस्ट अपने टेबल पे डिवाइड होता है, इस वजह से 7 1 7, ये भी 7 1 7 और ये 1 एज। हमारे पास जो एलसीएम आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 किसके इक्वल है 50 540, ठीक है। अब हमने इस वाले को इंडिविजुअली यहाँ इस वाले डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते जाना है, जैसे पहले काम किया था हमने सेम बिल्कुल वैसे वाले वही काम कर रहे हैं। फोर्टीन लिख दी है, अब 7 को इस एलसीएम के साथ हमें डिवाइड करते जाना है, 504 / 7। 7 7 7 7 49, 50 में से 49 minus ये 1 and ये 4 as it, 7 2 14, ये as it। अब इसी तरह 504 को 24 पे डिवाइड करें, 504 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो 24 आ गया। उसके बाद लास्ट हमारे पास 9 आ गया, हमें इसको भी इसी तरह डिवाइड करते हैं,
45 में से 50 माइनस किए 5 4 एज इट 9 6 54 एंड 0। अब हमारे पास सबका आंसर आ गया, हमारे पास 7 का 24 का यही हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, 7 की जगह 3/7 एज इट, इस 7 का आंसर हमारे पास 72 था, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं इसी नंबर को। इसी तरह 11/24 इसको भी हमने, इस 24 कौन सा आंसर था 21, इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसी तरह 18/21 इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया 24 में। नेक्स्ट है हमारे पास 5/9 को हमारे पास आंसर क्या था 56, इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब हमने इसको इंडिविजुअली 3/72 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 216/7 को 72 के साथ मल्टीप्लाई किया 500। इसी तरह हमने 11/21 के साथ करेंगे 231/504। इसी तरह 13/24 के साथ 312/504। इसी तरह 5/56 के साथ 200 इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया, इट मीन्स दैट कि हमारे पास लाइक फ्रैक्शन हो गई, ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम का जो डिनोमिनेटर निकाला था वो हमारे पास सेम हो गया। अब हमें इसे सेंडिंग ऑर्डर्स में करना है, हम पहले इसे सेंडिंग ऑर्डर्स में कर देते हैं। सबसे स्मॉल वैल्यू हमारे पास क्या है, 216, 231, 312, 280। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 216 है, 216 फर्स्ट पे राइट करते हैं सबसे स्मॉल। उससे ग्रेटर वैल्यू हमारे पास क्या कौन सी है, 231। उससे ग्रेटर हमारे पास कौन सी है, 280। एंड लास्ट में सबसे ग्रेटर हमारे पास कौन सा, 312। हमने ये राइट कर दी। अब हमने लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन में क्या काम किया था, जब ये राइट करने के बाद हम इनकी ओरिजिनल वैल्यूज राइट कर रहे थे। अब 216 की ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है, 3/7 एज इट। 231 की ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है, 11/24। इसी तरह 280 की ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है, 280 यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, दैट मींस दैट 5/9। इसी तरह 312, ठीक है। अब इनकी ओरिजिनल वैल्यू 312 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ये वाली इनकी ओरिजिनल वैल्यू 3/13/21 ये आपका आंसर आ गया। नंबर टू इसी का ही डी पार्ट है हमारे पास, 4/5 1/10 16/25 11/15 इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखें इनमें भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले इनके एलसीएम लेते हैं 5, 10, 25 and 15। सबसे पहले ये देखते हैं ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 5 तो नहीं होता है, 10 होता है, 25 भी नहीं होता, 15 भी नहीं होता। 5 as it, 5 2 is 10, 25 as it and 15 as it। अब हमें ये देखते हैं कि ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 5 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, ये 5 भी नहीं आता है, 25 भी नहीं आता है, 15 3 के टेबल में आता है, तो हम 3 के टेबल पे डिवाइड कर देंगे 15। अभी हमारे पास इजी हो गया, ये सारे 5 के टेबल पे डिवाइड हो गया, 5 भी 25 भी, 5 1 5 5 1 5 5 5 25 5 1 5। अब ये भी 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 5 1 5, ये हमारे पास इसके एलसीएम आ गए। अब हम
इस पूरे एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आया है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर क्या होगा? 150। अब हमने इंडिविजुअली इस पूरे को डिवाइड करते जाना है 150 में। वही काम जो हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया बी और सी पार्ट में, वही काम हम इसमें करते हैं। अब इस 5 को 150 पे डिवाइड करते हैं, 150 को 5 के लिए, 5 3 15, 0। अब ये 0 नीचे आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब इस 10 को लेना है हमें, 150 को 10 1 10, 5 and 0, 10 5 50। हमारे पास 10 का आंसर भी आ गया, 10 के बाद क्या आ रहा है, 25। हमने 150 को 25 से लेना है, 25 रह गया, 150 को 15 के साथ करते हैं, 15 1 15। अब ये जो 0 हमारे पास, 15 15 0, अब ये जो 0 हमारे पास आ जाएगा ये हम ऊपर ले जाते हैं, लास्ट में जो हमारे पास 0 रह जाते हैं क्वेश्चन का वो हम वैसे ही ऊपर ले जाते हैं। अब ये हमारे पास एक आंसर आ गया, ये आ गया, मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। इसी तरह हमारे पास 16 by 25, इसको हमने 25 5 से क्या था 6, 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 6 के साथ डिवाइड भी कर दिया, 11 by 15। इसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपने 4 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आएगा, 120। 5 को 30 के साथ किया, 150। इसी तरह 1 को 15 के साथ किया, 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा हमारे पास वही आ जाता है। 16 को 6 के साथ किया, 96। इसी तरह 11 को 10 के साथ किया, 110। क्लियर है यहाँ तक? अब ये डिनोमिनेटर सबके डिनोमिनेटर से हो, अब हमारे पास सबसे असेंडिंग ऑर्डर में जो रेंज करना है तो क्या करेंगे, सबसे स्मॉल वैल्यू हमारे पास उसने देखेंगे न्यूमिनेटर में 15 है, 15 by 150। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, 96, 96 by 150। उसके बाद क्या है, 110, 150 एंड लास्ट हमारे पास 120। अब ये हमारे पास असेंडिंग है, अब हमने इसकी ओरिजिनल वैल्यूज बुक कर देंगे। फर्स्ट क्या थी, 15, सेकंड पे 1 by 10, उसके बाद हमारे पास 96, 96 कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, ये भी 3 है, तो ये 16 by 25। उसके बाद 110 लास्ट पे था, 110, 110 11 by 15। उसके बाद 120 फर्स्ट पे आ रहा था, 4 by 5। ये आपके क्वेश्चन नंबर के ए बी सी डी पार्ट है आपके पास, ठीक है। आपने जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आपने सबसे पहले सब क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम करने हैं, एलसीएम लेना है, एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना और इंडिविजुअल डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करके फिर जो आंसर आएगा उसे इसके साथ मल्टीप्लाई करने के साथ मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करते रहना ताकि हमारे पास लाइक फ्रैक्शन बन जाए, ठीक है। फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ऐसे नहीं पता चल रहा था कि इसमें से ग्रेटर कौन सी है, लेस कौन सी है। इन्हें हमने ग्रेटर और लेस असेंडिंग ऑर्डर से बनाने के लिए इस वक्त हमने डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं। थैंक यू।